नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव। ये दोस्तों आपके बहुत ही दुखद घड़ी में आपके जीवन काल से बहुत सारे लोग ऐसे आपके साथ दुर्व्यवहार किए हैं जिनका कष्ट आपको अभी भी याद है। ये दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि अगले 3 दिनों के अंदर अब आपका वो समय आ चुका है जहाँ पर आपको शुभ संकेतों की प्राप्ति होगी। स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में आपको ऐसी सूचना देने वाले हैं जिन्हें जानकर आपका अभी दिल खुशी से झूमने वाले हैं। जय दोस्तों, वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। ग्रहों का यह विश्लेषण आपके लिए बहुत ही सटीक भविष्यवाणी बनकर आई है। आपके जीवन काल में बहुत ही बड़े अब बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी छोटी बड़ी जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको अब लाभ की प्राप्ति होने वाली है। ग्रहों की ये बदलती चाल आपके जीवन काल में और घर के माहौल में क्या क्या बदलाव करेंगे, क्या बड़े चमत्कार करेंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का और माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में किसी भी मुश्किल स्थिति को सोच समझकर तथा शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। दोस्तों आध्यात्मिक और फिर धार्मिक कार्यों के प्रति आपका यश में रुझान भी बढ़ेगा। घर में मेहमानों की चहल पहल भी रहेगी तथा आपसी मेल मिलाप सबको खुशी देगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में घर में किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। यश में दूसरों के निजी मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें और ना ही कोई उन्हें सलाह दें, अन्यथा बैठे बिठाए मुसीबत में भी आप पड़ सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि प्रस्तुति पर वर्चस्व बनाकर रखने के लिए आपको अपने निर्णय पर अटल रहना होगा। संवाद से कुछ बातें सुलझ सकती है, इसलिए सही तरीके से बात करने का ढंग आपको इसमें अपनाने की अत्यंत आवश्यकता होगी। अपने गुस्से पर इसमें आपको काबू करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें, विद्यार्थियों की पढ़ाई अथवा करियर संबंधी किसी समस्या का इसमें समाधान भी मिलेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार आप अवश्य करें, इससे दोस्तों आपकी काफ़ी चीज़ें जो है सुनिश्चित होती जाएंगी। इसके उपरांत दोस्तों ध्यान रखें कि किसी नजदीकी मित्र या फिर पड़ोसी के साथ छोटी सी बात को लेकर संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान को कोई जिद्दी या फिर अड़ियल रवैया आपके लिए चिंता का कारण भी बनेगा। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको गुस्से के बजाय संयम से काम लेना चाहिए। भूमि संबंधी कार्यों में अधिक लाभ की उम्मीद यश में आप ना करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से आपको कुछ चिंताएं सता रही है, लेकिन उनको दूर करने के प्रयत्न भी यश में आपके द्वारा किए जाएंगे। इनके वजह से परिस्थितियों में आपको बदलाव भी नजर आएगा। दोस्तों यश में जीवन शैली को ठीक से बनाकर हर काम को कितना वक्त देना है यह आपको तय करना होगा, जिससे समस्याओं को सुलझाने के लिए आप सफल भी रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में रुके हुए या फिर उधार दिए हुए पैसे भी आपको वापस मिल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, इसलिए दोस्तों आर्थिक गतिविधियों पर अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित रखें। आप अपनी वाक्पटुता तथा कार्य क्षमता द्वारा किसी भी काम को निकालने में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों किसी समय अकारण ही मन में निराशा व फिर नकारात्मक विचार भी आपको महसूस होगा, हालांकि दोस्तों ये आपका भ्रम ही होगा। यश में दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करें, अन्यथा आपकी मानहानि हो सकती है, इसकी स्थिति बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कुछ देर तक लोगों से दुनिया बनाकर रखकर अकेले में वक्त बिताना यश में आपको आनंद देगा, जिसकी वजह से आपके जो भी प्रोजेक्ट थे उसके बारे में सोचकर कुछ काम करने की कोशिश जारी रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में कुछ देर तक लोगों से दूरी बनाकर रखकर अकेले में वक्त बिताना आपको पसंद रहेगा, जिसकी वजह से आपके जो भी प्रोजेक्ट थे उसके बारे में सोचकर कुछ निर्णय भी आप निकाल पाएंगे। कला के क्षेत्र में जो भी लोग हैं यश में उनको सफलता दिखने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में
आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, ये दोस्तों आपको बता दें कि यश मेरे दोपहर के बाद परिस्थिति जो है, जो भी ग्रह स्थिति है, बेहतरीन रहने वाली है। किसी रणनीतिक अथवा प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी यश में हासिल होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि नजदीकी संबंधों के साथ मेलजोल तथा आपसी विचारों का आदान प्रदान दिनचर्या में कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी लाएगा। दोस्तों यश में इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपकी कोई भी योजना सार्वजनिक ना हो, अन्यथा दोस्तों बनते कामों में भी रुकावट आ सकती है। इस बात पर आपको इसमें गौर करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि युवा वर्ग में जो भी फालतू के काम हैं उनसे दूर रहें। इसे दोस्तों अपने समय को बर्बाद ना करके अपने भविष्य संबंधी रूपरेखा में आप समय को लगाएं। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि कुछ बातें आप अपने व्यक्तिगत दायरे में ही रह कर ही करें, क्योंकि दोस्तों अधिक रिस्क लेना यश में आपके लिए नुकसान का कारण भी हो सकता है। परिस्थिति और आपके निर्णय का परिणाम बिना जाने ही आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोगों की तकलीफ का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में फोन कॉल द्वारा कोई व्यवसायिक सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, जो आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि मार्केटिंग संबंधी कार्यों में बहुत सतर्कता रखनी जरूरी होगी। ऑफिस में ध्यान रखें कि जरा सी गलती बॉस और फिर अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। साथ ही दोस्तों काम से संबंधित बातों में कायदे से संबंधित तकलीफ हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में नए प्रस्ताव भी आपको प्राप्त होंगे, समय अनुकूल होगा। दोस्तों आपको बता दें कि भरोसेमंद पार्टियों से आपको नए ऑर्डर भी यश में प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों यश में सरकारी नौकरी में तबादले संबंधी कोई मन मुताबिक शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे दोस्तों आपका मन भी यश में गदगद रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यापार में पिछले कुछ समय से जो भी गतिविधियां रुकी हुई थी, यश में उन्हें दोबारा कार्य रूप देने का उचित समय आ गया है। परंतु दोस्तों आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार के नुकसान होने की आशंका भी बन रही है, तो होगा कि सभी परिस्थितियों में अपनी उपस्थिति अवश्य रखें। दोस्तों ये आपके लिए यश में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि काम करते वक्त पूरी तरह से उन पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें, ये आपके सफलता की कुंजी होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में वर्तमान व्यवसाय के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में आपका ध्यान रहेगा। दोस्तों यश में नई उपलब्धि भी आपको बना रहेगा और ये जो समय होंगे बहुत ही बेहतरीन समयों में से एक समय होगा। ध्यान रखिए कि कुछ लोग आपकी विनम्रता का गलत फायदा भी उठा सकते हैं या फिर इनका प्रयास कर सकते हैं, तो दोस्तों इन लोगों से यश में आपको बचना चाहिए। केवल काम से संबंधित बातों पर ही आपको पूरी तरह से ध्यान देना भी चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में जीवन साथी के साथ संबंध आपके लिए बहुत ही मधुर रहेंगे। मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में आपका समय व्यतीत होगा, जिनसे घर का माहौल भी बहुत ही मधुर रहेंगे। साथ ही दोस्तों यश में आपको अपने अड़ियल रोग पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके परिवार और आपके पार्टनर को तकलीफ दे सकता है। तो दोस्तों यश में आपको अपने जिद पर नहीं रहना है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि घर की किसी भी समस्या को आपस में बैठ कर ही सुलझाने का प्रयास करें। इससे दोस्तों वातावरण बहुत ही अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में बहुत ही समय व्यतीत होगा। दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन में एक के बाद एक परेशानियां भी आ सकती है, परंतु दोस्तों परिस्थितियों को संभालने का दायित्व भी आपको यश में निभाना है, इस बात पर गौर करें, इसलिए तनाव ना लेकर समस्या का समाधान निकालें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ संबंधों में तो मधुरता रहेगी, प्रेम संबंधों में भी लापरवाही होने की वजह से खटास उत्पन्न हो सकती है तथा संबंधों में भी दूरियां आ सकती है। तो दोस्तों यश में आपका महत्वपूर्ण दायित्व होगा इन सभी चीज़ों को संभालने की। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में आपका स्वास्थ्य तो उत्तम रहेगा, घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रह सकती है, यश में उनका उचित इलाज लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि मानसिक तनाव की वजह से हार्मोन संबंधी बदलाव भी आएंगे, योगा और मेडिटेशन करना यश में आपके लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि किसी प्रकार की इन्फेक्शन होने की भी स्थिति बन रही है। साथ ही दोस्तों जोड़ों में दर्द या फिर वायु विकार भी आपको परेशान कर सकती है,
इसके उपरांत दोस्तों यशु में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों, किसी भी प्रकार की रिस्क लेने की प्रवृत्ति से आपको दूर रहना चाहिए। किसी दुर्घटना की आशंका भी बन रही है। यश में आपको वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।